आगे बढ़ते हैं, जहां पुराने ब्लॉक तोड़कर विधायक विश्राम गृह बनाया जाएगा। भोपाल से यह खबर, विधानसभा की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और अब 450 स्क्वायर फीट की जगह 2600 स्क्वायर फीट के 102 फ्लैट बनेंगे। बजट जारी होते ही नए साल में इसका काम भी शुरू किया जाएगा। 2200 नए पेड़ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगाए जाएंगे। राज्य शासन की 22 एकड़ जमीन और 12 करोड़ रुपए इससे बच सकेंगे। तो पुराने ब्लॉक को तोड़कर ही नया विधायक विश्राम गृह बनाया जाएगा। विधानसभा की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर मंजूरी दे दी है। 4000 पेड़ इससे बच सकेंगे। तो 450 स्क्वायर फीट की जगह 2600 स्क्वायर फीट के 102 फ्लैट बनाए जाएंगे और नए साल में इसका काम शुरू हो जाएगा। सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, विधानसभा की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, यानी कि ये कहा जाए कि विधानसभा के नए विधायक विश्राम गृह बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बिल्कुल जो है, रास्ता भी साफ हो गया और अब भोपाल चूंकि अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है तो जो 4000 पेड़ कटने से वो भी बच गए हैं। दरअसल विधायक विश्राम जो विधायक होते हैं उनके रहने के लिए भोपाल में नए आवास निर्मित किए जाने थे, तो जो जमीन देखी गई थी वहाँ पर पर्याप्त रूप से हरियाली थी, लेकिन अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट लाया जाता, विधायकों के लिए विश्राम गृह बनाए जाते तो 4000 पेड़ कटना तय थी। ये रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी और जैसे ही ये रिपोर्ट आई वैसे ही मध्यप्रदेश और भोपाल की हरियाली को बचाने के लिए लगातार संकल्पित रहने वाले समाजसेवी भी आगे आए। उन्होंने कहा कि हरियाली को बचाने की ज़रूरत है, पेड़ों को काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। विधायक विश्राम गृह जहाँ पुराने बने हुए हैं उन ब्लॉक को तोड़कर नई एक मल्टी बनाई जा सकती है जिसमें विधायक रह सकते हैं। तो जो पहले 400 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट पर मकान बन रहे थे, अब उसकी जगह 2600 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट होता है वो बनाए जाएंगे। 102 फ्लैट तैयार होंगे और हालांकि इसकी इस प्रोजेक्ट के बाद भी नए 2200 पेड़ लगाए जाने की बात सामने आ रही है। करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है और नए साल में इस प्रोजेक्ट के तहत मकान बनने की, फ्लैट बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो बेहद गंभीरता से और बेहद अच्छा प्रयास है, जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा जो फैसला लिया गया है वो बेहद सार्थक है, क्योंकि विधायक विश्राम गृह के जो ब्लॉक्स हैं वो पुराने हो चुके थे, उनको तोड़ा जाएगा, रेस्ट हाउस को तोड़ा जाएगा और उसी स्थान पर साफ करके एक मल्टी बनाई जाएगी। तो विधायकों के रहने के लिए आवास भी बन जाएंगे, वो विधानसभा के भी पास होंगे, हरियाली भी बच सकेगी, 4000 पेड़ भी नहीं कटेंगे, 2200 पेड़ भी नए लगाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य शासन को आर्थिक लाभ भी पहुँच रहा है, जया 12 करोड़ रुपये भी बच रहे हैं और 4000 पेड़ बच रहे हैं, वो बड़ी बात है। बिल्कुल वैभव जी, क्योंकि पहले का जो रेस्ट हाउस है उसमें ज्यादा सुविधाएं नहीं थी जिसके कारण विधायकों को होटल में रुकना पड़ता था। अब अगर बात की जाए जो नया प्रोजेक्ट दिया गया है इसके अंतर्गत क्या कुछ सुविधाएं विधायकों को मिल पाएगी, नए रेस्ट हाउस में क्या क्या सुविधाएं हो रहेंगी, ये क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? बिल्कुल जया, जो सुविधाएं विधायकों को चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, इसके साथ ही जो जरूरत की सुविधाएं होती हैं वो विधायकों को उनके आवास में दी जाएंगी। अगर विधायक विश्राम गृह जिस जगह बनाए जाने की पहले बात सामने आ रही थी, जहां 4000 पेड़ काटे जा रहे थे, वो जो नए आवास बनते उसमें जो सुविधाएं दी जाती वही सुविधाएं यहां पर भी मिलेंगी। जो सुविधाएं उनको, जैसे निजी स्टाफ के लिए कार्यालय होता है, फोन होता है, इसके साथ ही कई बार विधायकों से मिलने के लिए उनके समर्थक भी विधानसभा क्षेत्र से पहुंचते हैं, तो विधायकों के द्वारा बड़े आवास की मांग की जाएगी। इसलिए पहले करीबन 450 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर मकान बना के दिया जा रहा था, डबल स्टोरी मकान था, लेकिन अब जब मल्टी बनाई जाएगी तो उसमें 2600 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, उसमें सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 23 एकड़ जमीन भी नए प्रोजेक्ट के चलते बच रही है, पैसा भी राज्य शासन का बच रहा है, हरियाली भी बच रही है। तो सुविधाएं जो नए प्रोजेक्ट में दी जाने वाली थी वही सुविधाएं, ये जो मल्टी बनाई जाएगी जो कि पुराने विधायक विश्राम गृह के ब्लॉक्स तोड़कर बनाई जाएगी, सारी सुविधाएं वैसी ही रहेंगी, बस स्थान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नए विधायक विश्राम गृह बनने से अब जो पेड़ काटे जा रहे थे वो पेड़ भी बच जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4000 पेड़ काटने की तैयारी हो गई थी, पहले अरेरा पहाड़ी पर इसे बनाने की मनमानी चल रही थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के तहत ये पेड़ भी बच जाएंगे और उसके साथ ही नई सुविधाओं के साथ नया विश्राम गृह उसी जगह पर बनाया जाएगा।